हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। फॉर डेसिमल नंबर्स वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। डेसिमल नंबर में हम जो है इसी मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड को यूज करके हम रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव जैसे नंबरों को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे रूट टू को हमें निकालना है तो रूट टू के लिए हमें पहले फाइंड आउट करना है कि हम कितने प्लेस तक उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, डेसिमल के कितने नंबर तक, यानी 0.1, 1, 2, 3, 4 आपका तो कितने प्लेस तक, 2 प्लेस तक निकालनी है, 3 प्लेस तक। तो अगर 2 प्लेस तक निकालनी है तो हम 6 प्लेस तक निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, एस्टिमेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रूट टू की जो है वैल्यू निकालने जा रहे हैं। रूट टू के लिए हम क्या करेंगे, टू पॉइंट वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, हमने पेयर बना दिया, इसका सिंगल कोड डेसिमल पहले नंबर है इसका सिंगल पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर हमें दो प्लेस, अगर 2 प्लेस तक निकालना है हमने 3 पेयर किसके लिया है, अगर 3 प्लेस तक निकालना है कितने पेयर लेना पड़ेंगे, 4 पेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला नंबर हम ऐसा लेते हैं जिसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, इस गिवन नंबर पेयर से क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए तो लेस देन होना चाहिए। तो हमारा पहला नंबर आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, इससे ग्रेटर देन हो गया, ज्यादा हो गया, उससे हम पहला नंबर लेंगे 1, ठीक है। 1 यहाँ रखा 1 यहाँ भी रखा और हमने इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर हमको ऐड कर दिया, 2 लिखा, एक स्पेस यहाँ बचा कर रखेंगे, 2 से 1 माइनस किया 1। अब नया इस पेयर को हमें यहाँ पर कैरी करना है, लेकिन उसके पहले क्या डेसिमल है, यहाँ पर हम 10 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 रख लिया, 2 1 से 1 ऐड कर हुआ आया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने पर, सेम उसी नंबर मल्टीप्लाई करने पर इससे इक्वल आया, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है 4, ठीक है, 4 यहाँ भी रख दिया हमने। अब 4 से क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 16 और 4 8 और 9, ठीक है, 19 आ गया। इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0 से माइनस नहीं होगा, कैरी देगा 100, यानी कि यहाँ पर 10 से 6 माइनस 4 आ गया, यहाँ पर 9 0, ये आपको 0। अब यहाँ पर इस पेयर को कैरी लेंगे, क्योंकि कैरी जो है हमेशा पेयर लिया जाता है, इसलिए पेयर बनाया हुआ है, इसमें इसको ऐड करके हमारा कितना आ गया 28, एक स्पेस यहाँ पर बचा कर रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक नंबर रखना होता है बार बार। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 281 में अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 281 ये आएगा, और 250 अगर 2 रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 252 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 8 16, अब 2 2 4 5, ज्यादा हो गया इस नंबर से, यानी कि कितने टाइम जाएगा, सिर्फ 1 टाइम जाएगा, इसलिए 1 टाइम यहाँ पर हम रखेंगे, कितना आया हमारा 281, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसको ऐड कर दिया 282 हो गया, एक स्पेस पे साथ रखा हुआ है, 10 से 1 माइनस हुआ 9, यहाँ पर 9 से 1 माइनस हुआ 1, यहाँ पर 3 से 2 हुआ 1, अब इस पेयर को कैरी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 282 को इसमें देखेंगे कितने बार आपका इसका अगर नंबर ले लें, 22 का टेबल 5 टाइम जा रहा है, तो 5 टाइम देख करके देख लेते हैं, है तो 2 8 2 5, सिर्फ 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 15, 25 कर दिया 1 2 5 10 2 22 12 कर दिया 1 और 5 41 41 कर दिया 4 5 10 40, इससे ज्यादा हो गया, यानी 4 टाइम जाएगा, इसे हम यहाँ पर क्या देंगे 4, और यहाँ पर भी लगा 4 से ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 4 16, 4 2 4 2 8 और 1 9, 4 8 32 का 3, 4 2 8 और 3 11, ठीक है, नंबर आ गया, सब्सक्राइब कर देंगे, 10 6 4 आ गया, टेन में से 9 माइनस 0, और यहाँ पर 8 2 6, और यहाँ पर 0 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्लेस का हमने निकाल लिया, यानी रूट टू की वैल्यू जो होती है, रूट टू की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, रूट टू इक्वल टू रूट टू
इक्वल टू 1.414 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 भी अगर 5 आ जाता, सपोज दैट अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती, अगर 1.415 आ जाता, अगर टू प्लेस तक निकाला तो ये क्या होता, एस्टिमेट कर देते हमारा वैल्यू आ जाता 1.52 आता। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है नेक्स्ट प्लेस तक इसलिए लिया जाता है, इस साइड में नंबर 5 या 5 से ग्रेटर देन है तो हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, एस्टिमेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर छोटा है, हम यहाँ तक ही रखेंगे 3 प्लेस तक है, लेकिन अगर हमें 2 प्लेस तक निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 प्लेस में हमारी वैल्यू होगी 1.41। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार रूट 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7320। ठीक है, रूट 5 की वैल्यू देखा जाए तो 2.2360। ठीक है, इस प्रकार सभी नंबर 2, 3 रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 ऐसे जो है सभी नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, अगर आप इसको 2 बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है इसको प्रैक्टिस द्वारा बार बार प्रैक्टिस करके आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 4 4 8 2 8 2। ठीक है, ये कितना आया, और इसको देखिए इसमें और इसमें एक रिलेशन होता है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, ये जो यहाँ पे सम आता है वो इसका जस्ट डबल आता है। देखिए 4 इसको मल्टीप्लाई करके अगर पूछे तो 4 2 जा 8 है, 1 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी लास्ट में जो हमारा आंसर ये आता है, यहाँ पर जो ऐड करने का नंबर मिलेगा वो इसका जस्ट डबल होगा। अगर आप जानता है समझ लीजिए कि आपने यहाँ तक जो किया है वो सही किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रूट 2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अगर आपको मेरा जो है समझ में आया वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई कमी रहेगी तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है ना, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे जो है नए और पुराने सभी वीडियो आपको देखने में मिल जाए। धन्यवाद।